हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीता धाकड़ और मेरे चैनल ब्लेजिंग स्टार में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर की दाल के बहुत ही टेस्टी और क्रंची दाल बड़े। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मटर की दाल के दाल बड़े बनाने के लिए हमने ली है 1 कटोरी मटर की दाल और इसको रात भर पानी में भिगो कर रख दिया था। ये अच्छे से फूल चुकी है। यदि आपके पास मटर की दाल नहीं है तो आप साबुत मटर लेकर उसको मिक्सी में मोटा मोटा पीस कर फिर गला सकते हैं। अब हम इसको डालेंगे जार में। अब हम इसको मिक्सी में पीस लेते हैं। पीसते समय हमें इसे चम्मच से बीच बीच में मिलाते रहना है जिससे कि दाल अच्छे से पिस जाए। मैंने दाल को बीच बीच में अच्छे से मिला लिया था जैसे कि सारी दाल अच्छे से पिस जाए। अब हम इसको दूसरे जार में निकाल लेते हैं। दाल को हमें मोटा मोटा पीसना है, एकदम बारीक नहीं करना है। मोटा मोटा पीसने से हमारे बड़े क्रंची बनते हैं। सारी दाल पिस चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक हरी कटी हुई मिर्च, लहसुन बारीक कटा हुआ, अदरक बारीक कटा हुआ, करी पत्ता इसको भी काट लिया था हमने, हरा धनिया, 1 कटी हुई प्याज। इसके साथ ही हम इसमें डाल लेंगे गरम मसाला, स्वाद के अनुसार नमक। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक। ये हमने इसमें काला नमक डाल दिया है। अब इन सबको अच्छे से हम मिला लेंगे। दाल को हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है, देखिए। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, हमारा मिक्सचर एकदम तैयार हो चुका है दाल बड़े के लिए। हमने गैस पर तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें दाल के बड़े बनाकर डाल देंगे। आप चाहे तो इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, मैं इनको सिंपल ही बना रही हूँ। ये मैंने दाल बड़े डाल दिए हैं तेल में। हमें इन्हें तुरंत नहीं पलटना है, नहीं तो फूट जाएंगे। थोड़ा सिकने देना है। ये थोड़े सिक चुके हैं, अब हम इनको पलट देंगे। इसी तरह हमें बीच बीच में दाल बड़े पलटते रहना है जिससे कि अच्छे सिक जाएं। हमें दाल बड़ों को हाई और मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। ये हमारे दाल बड़े बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। ये दाल बड़े लगभग फ्राई हो चुके हैं, देखिए। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये बहुत अच्छे से सिक चुके हैं, बहुत अच्छे से ब्राउन हुए हैं, देखिए। हमारे दाल बड़े बहुत अच्छे बन रहे हैं, ये देखिए। इसी तरह हम सारे दाल बड़े बना लेंगे। ये हमने सारे दाल बड़े बना लिए हैं, देखिए बहुत अच्छे बने हैं। ये बड़े हमारे खाने के लिए तैयार हैं, ये देखिए। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।